हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की वैकेंसी के बारे में। तो यहां पर जो फ्रेंड्स रेलवे ने वैकेंसी निकाली है, CN नंबर RRC01/2019 लेवल 1 की जो वैकेंसी है आपके ग्रुप डी की, उसके ऑनलाइन फॉर्म को भरने के बाद, सबमिट करने के बाद यदि आपकी कोई भी गलती उसमें रह जाती है तो आप उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, किस किस स्टेप को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और किस स्टेप को आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यदि करना चाहते हैं मॉडिफाई, तो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप जो है आपको यहां पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे जो आपके 100 रुपीज लगेंगी वो आपकी बच सकती हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, आपके सामने ये ऑफिशियल लिंक है जो कि रेलवे का है, यहां पर आपको आना होगा। इसकी सभी डिटेल और या फिर लॉगिन डिटेल जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहां पर ऑप्शन खुलता है रेलवे का। तो आपने जिस भी रेलवे में अपना रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे हमने नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली का फॉर्म फिल किया था, यदि आपने वो फॉर्म फिल करने वाला वीडियो हमारा देखा है, यदि वो नहीं देखा है तो आप ऊपर की साइड में जो आई सेक्शन है वहां से उसको देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहां पर देखिए ऑप्शन ऐसा होता है ओपन, जिसमें आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होगी, आपका पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1991, तो आपको 27/11/1991 सीधा सीधा यहां पर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पासवर्ड हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी कोड हो गया और आपको यहां से कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, यहां पर आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको शो कर रहा होगा, प्रिंट एप्लीकेशन तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहां पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। अब आपको यहां पर करना है मॉडिफिकेशन, तो यहां पर देखिए आपकी जो मॉडिफिकेशन फी है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहां पर देखिए जो मॉडिफिकेशन फी है कितनी रुपए है, 100 रुपए। तो 100 रुपीज आपको देने के बाद ही आप इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस मॉडिफिकेशन फी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने आप पेमेंट मोड पूछता है, तो हम यहां पर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम यहां पर ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहां पर इस पर क्लिक करना होगा क्योंकि ये कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी के लिए है, तो यहां पर आपको क्लिक करना नेसेसरी है। इसको करने के बाद आपको यहां पर क्लिक टू प्रोसीड करना है। क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने अब पेमेंट गेटवे ओपन हो गया है। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, अगर आपके पास SBI का जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है वो है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यदि किसी अन्य बैंक से आप कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जो अदर बैंक डेबिट कार्ड है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कार्ड की डिटेल डालिए और उसके बाद अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर लीजिए। आपके 100 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। पेमेंट करने से पहले पेज की जो कुकीज़ होती हैं, हिस्ट्री होती है, उसको डिलीट कर दें और दोबारा से लॉगिन करें और उसके बाद ही अपना पेमेंट जो यहां पर कंप्लीट करें, क्योंकि पेमेंट अटकने के जो चांसेस है रेलवे में ज्यादा इस समय हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आप प्लीज अपनी जो हिस्ट्री है, पेज कुकीज है, उसको जरूर डिलीट कीजिएगा। हम यहां पर यूज करते हैं नेट बैंकिंग, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जिस मीडियम से, जिस मोड से आप अप्लाई करना चाहते हैं फीस को, वो आप यहां पर कर सकते हैं। तो हम यहां पर मान लीजिए नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो आपको आपकी यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन होता है, संशोधित आवेदन की स्थिति, मींस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन स्टेटस। यहां तो आपने पेमेंट डिटेल जो है यहां पर कंप्लीट कर दी है। सेकंड जो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, तो इसके लिए हमको इस मॉडिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। तो यहां पर क्या क्या ऑप्शंस आपको एडिट करने को मिलते हैं, तो जितने भी आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सभी आप एडिट कर सकते हैं, बस दो चीज को छोड़कर, जो कि आपका मोबाइल नंबर है और एक आपका ईमेल आईडी है। तो ये चीजें जो है आपकी यहां पर चेंज नहीं होंगी, बाकी की जो भी डिटेल है वो आप यहां पर आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। तो यहां पर जो भी ऑप्शन है वो आप आराम से चेक कर लीजिए। उसके बाद जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 10th SLC मैट्रिकुलेशन, वो भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अगर कम्युनिटी में कोई गलती हो गई है तो वो आप यहां पर चेंज कर पाएंगे। और यदि आपने मान लीजिए कम्युनिटी आपने जनरल की बजाय SC डाल दी है, और या SC की बजाय जनरल डाल दी है, या OBC की बजाय जनरल डाल दी है, या जो भी आपने डाला है वो आप यहां पर एडिट कर पाएंगे, और उसका जो डिफरेंस ऑफ फीस है वो ही आपको यहां पर पे करनी होगी। अब बस ये ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जिस रेलवे में आपने जो अप्लाई किया है, जिस जोन में, वो आप यहां पर एडिट नहीं कर पाएंगे। तीन चीजें मैं आपको पहले ही यहां पर क्लियर कर देता हूं।
इसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शंस हैं वो आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए या फिर आपके जो अन्य डिटेल्स हैं उसके बारे में हैं, वो भी आप यहां पर एडिट कर पा रहे होंगे। मतलब जितनी भी डिटेल हैं आपके फर्स्ट पेज की वो सभी की सभी आपकी एडिट हो जाएंगी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी को छोड़कर। यहां पर कंप्लीट करने के बाद ही आप यहां पर इसको सबमिट कीजिएगा। तो हम फ्रेंड्स यहां पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से एक मैसेज खुलेगा अलर्ट का कि यहां पर आपको कंफर्म करते हैं कि आपने जो डिटेल भरी है वो आपकी सही है। यदि फिर भी कोई गलती रह गई है तो आप यहां पर एडिट कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आपको दोबारा से 100 रुपीज फीस देनी होगी और आप बार बार फीस देना नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, आप आराम से इसको यहां पर मॉडिफिकेशन करते वक्त आराम से हर चीज को चेक करते चलिएगा। यहां पर हमने कोई गलती हमने हमारी यहां पर नहीं है तो हम यहां पर इसको कर देते हैं कन्फर्म। कंफर्म करने के बाद हमारे पास फ्रेंड्स प्रेफरेंस डिटेल है, तो आप यहां पर प्रेफरेंस डिटेल को जो है चूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है डिटेल देखने को मिल जाती है। तो यहां पर देखिए आप किसी को भी यहां पर मान लीजिए आप इसको देना चाहते हैं 11 नंबर तो आप 11 दे दीजिए, 12 देना चाहते हैं मतलब 12 मतलब जो भी आपका प्रेफरेंस है वो अपने हिसाब से यहां पर दे सकते हैं। तो यहां पर हम कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं करना चाहते हैं तो हम इसलिए आगे यहां से चल सकते हैं। पर आपको मैंने यहां पर दिखा दिया है कि अगर आप करना चाहें तो यहां पर आप इस चीज की भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहां के करने के बाद हमको इसको भी सबमिट यहां पर कर देना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स जो थर्ड डिटेल है वो हमारी एडिशनल डिटेल है जो कि आपके क्वालिफिकेशन की है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th जो है यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 10वीं की डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद आप यहाँ पर जो स्टेट बोर्ड है ये आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। स्टेट आप चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर परसेंटेज जो भी आपने गलत लिखी है वो आप यहाँ पर सही कर पाएंगे। यदि आपने ये ITI से नहीं अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर इसको यस भी कर सकते हैं। यस करने के बाद आप यहां पर इसकी ITI की जो आपकी डिटेल है वो फिल कर दीजिए। और यदि आपने मान लीजिए ITI से किया है और पहले ITI से कर दिया और आप ITI शो नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके सामने ऑप्शन है आपके मॉडिफिकेशन के लिए। यदि आप एक्स्ट्रा कोई हायर एजुकेशन शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी मदर टंग का है, अब मान लीजिए आपकी मातृभाषा आपने गलत चूज कर ली है तो आप उसको भी यहां पर एडिट कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो है आपके एग्जाम लैंग्वेज की, यदि आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी देखिए आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने इसको इंग्लिश चेंज करके आपको दिखा दिया है, तो आप यहां पर इंग्लिश कर लीजिए। पंजाबी करना चाहते हैं इसको पंजाबी कर लीजिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप यहां पर कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, पर ये एडिट हो सकता है। इंग्लिश की जो भाषा है, अंग्रेजी की जो भाषा है, ये आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है, ये तो आपकी आनी ही है। इसके बाद फ्रेंड्स आप मुफ्त यात्रा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं उसकी डिटेल है वो आप यहां पर एडिट कर सकते हैं। तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट और तहसीलदार जिससे भी आपने इशू करवाया है, प्लेस ऑफ इशू, ये सभी आपको यहां पर देने होंगे। इसके बाद जो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी आप एडिट कर पाएंगे। तो यहां पर जो आपके पहचान मार्क है वो भी आप एडिट कर पाएंगे। मतलब जितनी भी डिटेल है इस पेज में ये भी आप आराम से जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको भी मॉडिफाई कर पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको चलना है नीचे की तरफ जिसमें जो आपकी डिटेल है वो आपके ID कार्ड नंबर की है, तो वो आप यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए। और यदि आप उसी खाते में धन वापसी चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, और अलग से कोई आप खाता नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो करके उस खाते की एंट्री कर सकते हैं। इसमें कोई गलती हो गई है तो आप इसको भी एडिट यहाँ पर कर पाएंगे। तो आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर और आपका जो नेम है जिस नाम से आपका खाता है वो आपको यहाँ पर आराम से और सही सही डालना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर सबमिट का जो टैब दिख रहा है इस सबमिट टैब पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन वो डॉक्यूमेंट अपलोड का है, तो यहां पर अगर आप चाहते हैं दोबारा से फोटो, साइन और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है अपलोड करना तो आप दोबारा से ब्रॉस के माध्यम से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर इसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है अपडेट करने का। उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है जब आपकी ये चीजें सारी की सारी सही हो चुकी हैं। इसके बाद आपको यहां से इसको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, तो एडिट की जो प्रक्रिया थी वो यहां पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाती है और आपका जो प्रिंट है वो आप निकल चुका है। इसको आप PDF में या फिर A4 साइज पेपर में अपने पास रख सकती हैं। इस पूरे वीडियो का जो सार है वो मैं आपको छोटी सी लाइन में बता देता हूं कि ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो रेलवे जोन है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जो चाहते हैं, जो एडिट करना चाहते हैं वो आप एडिट इसमें
कर पाएंगे। तो ऐसी इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी एडिट करने से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मैक्सिमम बार बार में इसको जो है मॉडिफिकेशन करने से बेटर है आप एक बार सही ढंग से इसको पढ़ें, आराम से इसको मॉडिफाई करें और उसके बाद इसको सबमिट कर दें। कोई भी दिक्कत आती है सबसे पहले पेस्ट जो कुकीज़ है आपकी जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करें और उसके बाद ही इस फॉर्म को ट्राई करें, आपका एक बार में आराम से फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हमने बात की रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।